नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज्य सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नई रिक्रूटमेंट के बारे में। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की नई रिक्रूटमेंट अभी शुरू हो चुकी है दोस्तों। हरियाणा जीडी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, आज हम इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाले हैं दोस्तों। और हम इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर देते हैं दोस्तों। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, rajsarkarirezult.com। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन की कम्प्लीट डिटेल, कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें आप इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं rajsarkarirezult.com पे दोस्तों। नोटिफिकेशन की शॉर्ट डिटेल आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी दोस्तों, rajsarkarirezult.com पे। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नई रिक्रूटमेंट है हरियाणा पुलिस जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020। तो दोस्तों, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020 और ये लिंक एक्टिवेट होगा दोस्तों 11 जनवरी को। 11 जनवरी से आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। 11 जनवरी को ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जनवरी को शुरू हो जाएंगे, देन 10 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एक फॉर्म भरने की लास्ट डेट और फीस की लास्ट डेट 13 फरवरी 2020 है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 फरवरी है दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो दोस्तों, जनरल और अदर स्टेट फीमेल की 100 रुपये फीस है और फीमेल जनरल हरियाणा 50 रुपये फीस है। और रिजर्व कैटेगरी है SC BC EWS कैटेगरी है, तो उसमें मेल की फीस 25 है और SC BC EWS कैटेगरी फीमेल है तो उसकी 13 है दोस्तों। इसके अंदर आपको रेजिडेंस हरियाणा का होना जरूरी है। देन अगर एक्स सर्विसमैन अगर आप हरियाणा से हो तो आपकी कोई फीस नहीं है दोस्तों। पेमेंट मोड में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान मोड से आप ऑफलाइन भी फीस इसकी भर सकते हैं। देन क्वालिफिकेशन और एज भी चलते हैं, तो दोस्तों आपको 10+2 पास होना जरूरी है। देन आपके पास में 10th तक मैट्रिक के अंदर हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना अनिवार्य है दोस्तों। फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, देन चेस्ट 83 to 87 सेंटीमीटर है। रिजर्व कैटेगरी मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट है और 81 to 85 सेंटीमीटर की चेस्ट है। फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर की हाइट है और चेस्ट उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। रिजर्व कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी फीमेल के लिए 156 सेंटीमीटर की हाइट होना जरूरी है दोस्तों। पोस्ट डिटेल की बात करें तो दोस्तों, 7298 पोस्ट है इसमें टोटल। कांस्टेबल जीडी के लिए 5500 है और कांस्टेबल फीमेल जीडी के लिए 1100 और कांस्टेबल फीमेल एचएपी दुर्गा वन के लिए 698 698 पोस्ट है दोस्तों। इस पोस्ट के लिए पे स्केल दोस्तों 21,700 से 69,100 Level 3 Cell 1, ये इसके लिए पे स्केल है दोस्तों इस जॉब के लिए। देन क्राइटेरिया सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की बात करें तो दोस्तों, 80% वेटेज नॉलेज टेस्ट का होगा। इसके अंदर आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉरी 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, जिस प्रत्येक क्वेश्चन 0.80 नंबर का होगा। ये 3 घंटे का पेपर होगा, जिसके अंदर आपको जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिक एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर रिलेवेंट फील्ड ट्रेड्स इसके अंदर होंगे और ये 10+2 लेवल का पेपर होगा दोस्तों। देन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें, PST की बात करें तो दोस्तों, जितनी भी अपनी वैकेंसी है उसके 7 गुना ये PST के लिए बुलाएंगे कैंडिडेट्स को। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, मेल के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट के अंदर, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर, ये आपको कंप्लीट करना होगा दोस्तों। दोस्तों, एडिशनल क्वालिफिकेशन का आपको 10% वेटेज मिलेगा। अगर आपके पास में ग्रेजुएट डिग्री है तो उसके आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे 4 नंबर। देन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको
नंबर मिल जाएंगे। एनसीसी के सर्टिफिकेट के दोस्तों आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट ए लेवल का है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बी लेवल का है तो 2 नंबर और सी लेवल का है तो 1 नंबर मिलेगा। देन आपको 10% मार्क्स अलग अलग कैटेगरीज में मिल सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक एक चीज़ बारीकी से दे रखी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन की कोई सुविधा नहीं है, आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा दोस्तों। बाकी की डिटेल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जिसमें अपन फॉर्म जब 11 जनवरी को जब फॉर्म फिल होंगे तो हम उसकी वीडियो बना देंगे, तो आप घर बैठे फॉर्म फिल कर सकते हो और उसकी कंप्लीट जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।